अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए
हकानियत पर, इंसाफ पर जमे रहें और बुराइयों से इज्तनाब करें। अगर ऐसा करोगे और परहेजगारी की जिंदगी गुजारोगे, ना लोगों को तुम कहीं रूप शरिया, तो उनकी साजिशें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। ये बुनियादी बात का कारण है इसी किताब में बयान। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। मुसलमानों, सब्र यानी इस्तिकामत और नमाज के जरिए मदद हासिल करो। बिना सुबह अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, यानी हक को इंसाफ पर जमे रहने वालों के साथ। इसी तरह कुरान मजीद की एक और आयत है सूरह आले इमरान की, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, लतुबलगुन्न फी अमवालिकुम व अन्फुसिकुम व लतस्मउन्न मिन अल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम ومن الذين أشركوا أذى كثيرا। बहुत अहम आयत है, सूरह आले इमरान की आयत है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, यकीनन तुम्हारे मालों जानों से तुम्हें आजमाया जाएगा, यकीनन तुम्हें जान और माल से आजमाया जाएगा, और ये भी यकीन कर लो कि मैं कि तुम्हें उन लोगों की तरफ से जो तुमसे पहले किताब दिए गए, पहले किताब और मुशरिकीन बहुत सब कुछ पहुंचेगा। अदन कसीरा, तुम्हें बहुत सी तकलीफ पहुंचेगी उनकी तरफ से जो मुशरिकीन हैं और पहले किताब हैं, और तुम्हें तुम्हारे जानों और मालों से आजमाया जाएगा। आयत बिल्कुल हस्बे हाल, इस वक्त कौम मिलत की सूरत हाल है, आयत बिल्कुल उसके हस्बे हाल। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, इन तस्बिरु व तत्तकु फइन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वही बात है जो पहली आयत की कही थी कि अगर तुम सब्र करो, इस्तिकामत अख्तियार करो और तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी की जिंदगी गुजारो, तो ये बहुत कीमत का काम है, उजुल आजमी का काम है, बहुत बड़ा काम है। तो क्या कहा गया कि तुम्हें आजमाया जाएगा तुम्हारी मान के जरिए और जान के लिए, और तुमसे पहले इन लोगों को अपनी किताब दी है, अपनी किताब और मुशरिकीन के जरिए तुम्हें बहुत सी तकलीफें पहुंचेंगी, उनकी तरफ से मसाइब आएंगे, परेशानियां आएंगी, तुम्हें क्या करना। वही तस्वीर बदलता हो, तुम्हें सब इख्तियार करना है और परहेजगारी की जिंदगी गुजारनी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक्य को पढ़े आपको, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्य पुरानी गरीब में मैंने थोड़ा बयान किया, किस तरह उनको तकलीफें पहुंची, अपने सगे भाइयों को देखी, बाप से जुदा किए गए, कुएं में डाल दिए गए, फिर मिस्र के अपने वालों के हाथ बेच दिए गए, फिर अतीत मिस्र के यहां रहे, अतीत मिस्र की बीवी के जरिए मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किल का सामना उनको पेश आया, यहां तक कि इज्जत और नामूस दाव पर लग गई। अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमाई, जेल खाने गए, लेकिन सब तकवा और हिंदारी उनका ओढ़ना बिछोना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नबूवत से नवाज किया, ख्वाब के इल्म की ताबीर से नवाजा और मिस्र की हुकूमत पर बिठा दिया।
जिन भाइयों ने तकलीफें पहुंचाई थी, परेशान किया था, वो इस हालत को पहुंच गए कि भुखमरी का शिकार हो गए और रिलीफ खाते करने के लिए, खाने पीने का सामान लेने के लिए अजीज मिस्र के दरबार में पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर है और वो सारे भाई नीचे खड़े मांग रहे हैं। कुरान करीम ने उस पूरे नक्शे को बयान किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब मालूम हो गया भाइयों कि हमारा भाई है यूसुफ, घबरा गए, परेशान हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक बात कही, إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ। وہی بات جو میں پہلی دو آیتوں میں بیان ہوئی تھی، إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، بلا شبہ جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، جمع رہتا ہے حق پر، استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کو جو کامیابی ملی بھائیوں کے مقابلے، اس کی بنیاد یہی دو چیزیں تھیں، انہو من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو تقوی اختیار کرے، پرہیزگار زندگی گزارے اور سب و استقامت کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، صبر، استقامت، حق پر جمے رہنا، انصاف پر قائم رہنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، برائیوں سے اجتناب کرنا، یہ صبر ہے، یہ استقامت۔ آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہم جن حالات سے دوچار ہیں، ان حالات سے بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے، کوئی سبق نہیں سیکھ رہے۔ بتائیے، کیا مساجد میں نمازوں کی تعداد میں اضافہ ہوا؟ کیا ہمارا نوجوان دین کی طرف آیا؟ اس نے دین سیکھا؟ دین سیکھنے اور حاصل کرنے کی طرف راغب ہو؟ آج بے شمار نوجوان ہیں جو سڑکوں پر ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ میں اس احتجاج کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، جمہوری ملک میں جمہوری حقوق حاصل کرنے کے لیے عوام کو ملک کے قانون نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے، تو آواز بلند کرنا تو یہ جمہوری حق ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ جو کام ہمارے کرنے کا وہ ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف پلٹے، دین کا علم حاصل کریں، دین کا فہم حاصل کریں اور دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج ہماری بے عملی کی زندگی اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم اس طرح کے حالات سے دوچار، اور دشمن ہمارے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہا، لیکن ہم اپنے دین کی طرف آنے کے لیے اور اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اسلام سے مضبوطی کے ساتھ نہیں چمٹیں گے اور اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑیں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں۔ مسائل کا حل دین پر عمل کرنے میں ہے، دین کے خلاف زندگی گزارنے میں مسائل کا حل نہیں ہے۔
और जितना दीन को समझेंगे, जितना दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, उतना ही हमारी इज्जत और नामूस महफूज रहेगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर होगा, अल्लाह की मदद आएगी। आप देख लें तारीख पढ़ी, गज़वाए बद्र में सिर्फ 313 लोग थे जिनके पास पूरे तौर पर हथियार थे। उधर 1000 का लश्कर था, हथियारों से लैस था। किस चीज ने मुसलमानों को कामयाब किया? उनके तकवा ने, उनके सब्र ने, दीन पर इस्तेकामत ने, अल्लाह के साथ रिश्ते को मजबूत रखने में। अल्लाह से जितना मजबूत रिश्ता हमारा होगा, उतना ही हम मजबूत होंगे, उतनी ही ताकत हमारे पास होगी, उतनी ही कुव्वत हमें हासिल होगी। गज़वाए उहद में, खंदक में और दीगर गज़वात में आप देखें किस तरह मुसलमानों की अल्लाह ने मदद। बदर में फरिश्ते अल्लाह ने भेज दिए, 3000 फरिश्ते एक तरफ भेजे, 5000 एक मरतबा भेजे, और मुसलमानों की मदद। वही कुरान तो उनके पास था, हमारे पास है, बिल्कुल हूबहू वही कुरान मजीद हमारे पास है। फर्क सिर्फ यह है कि वो कुरान के पर अमल करने वाले थे और हम तो कुरान को पढ़ना भी नहीं करते। हमारे नौजवानों की अक्सरियत आज कुरान करीम को देखकर पढ़ना नहीं जानती। समझना और अमल करना तो बहुत दूर की बात है, देख कर अमल करना नहीं जानती। इन हालात में किस तरह अल्लाह ताला की मदद आएगी और किस तरह हम उम्मीद रखें? अल्लाह फिर भी हमारी मदद करता है इतनी नाफरमानियों के बाद, और उसकी मदद शामिल है न हो जी नहीं सकते। मेरे भाइयों, इन हालात से सबक हासिल करें, इबरत हासिल करें और अपने दीन की तरफ रुजू हो, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें, अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को उस्तवार करें, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें अल्लाह की जनाब में। इस्तिग़फ़ार के बड़े फवाइद हैं, बड़े फवाइद हैं। बहुत सी मुश्किलात का हल इस्तिग़फ़ार में है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा था, फकुल तस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा मा तस्तग़फिरुन लिल्लाहि गफ्फारा। अल्लाह कहा अपने कौम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह की जनाह में इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, माफी मांगो अपने गुनाहों से, क्या होगा? कहत साजे खत्म हो जाएगी, आसमान से बारिश बरसेगी, अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेगा, नहरें जारी हो जाएंगी, अमन अमान होगा मुल्क में। मेरे भाइयों, इस्तिग़फ़ार के नतीजे में अल्लाह की तरफ से बड़े इनामात का ऐलान है। हम कितनी मर्तबा रोजाना इस्तिग़फ़ार करते हैं, कितनी मर्तबा अल्लाह से तौबा करते हैं, कितनी मर्तबा अल्लाह से दुआएं करते हैं, सोचिएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अक्सर अल्लाह की तरफ रुजू होते थे मुश्किलात और परेशानियों में, अल्लाह के आगे जाकर झुक जाते थे, नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। और यही है इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र के जरिए मदद हासिल करना। इन दो रकअत नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, इस्तआनत
और मदद हासिल करें। आज हम अपने दीन से दूर हैं और ये दीन से दूरी हमारे लिए नुकसान का सबब बनी है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। जैसे मैंने शुरू में कहा, हिम्मत और हौसला सहारे, और इस बात को अपने जहन से निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें कि आपको इस मुल्क से कोई निकाल पाएगा नहीं। यही रहना है, यही जीना है, यही बचना, कोई नहीं निकाल पाएगा यहां से इंशाअल्लाह। बिल्कुल जहन से निकाल दें और कोई आदमी घबराहट का शिकार ना हो, बिल्कुल नहीं। आज बहुत सारे नौजवान परेशान हैं और यही सब लोगों के जहनों में निकाले जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं भगा पाएगा, कोई नहीं निकाल पाएगा। सैकड़ों बरस की तारीख हमारी इस मुल्क के साथ जुड़े हुए, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं इस मुल्क की आजादी में, इस मुल्क को बनाने में, और आज भी मुल्क को बनाने में मुल्क के तमाम शहरियों का हिस्सा होता, उनका कोई भी मजहब, कोई भी दीन हो। मुल्क बनता तभी है कि सारे शहरी मिलकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले और मुल्क के लिए काम करे। तो अल्लाह ताला से इस मुल्क में अमन अमान की दुआ करते हैं। मुल्क में अमन अमान आएगा, उसका फायदा सबको हो। इस मुल्क की हिफाजत के अल्लाह से दुआ करते हैं। हुकूमत वक्त अगर अपनी बेअकली के नतीजे में इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहती है, तो हम अल्लाह से इस मुल्क की तबाही और बर्बादी को रोकने की दुआ करें। अल्लाह इस मुल्क को तबाही और बर्बादी से बचा ले, ये दुआ करें। इसलिए मेरे भाइयों, घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं। जो भी हालात हो, बस अपने दीन पर कायम रहें, अल्लाह ताला से अपने रिश्ते को मजबूत करें, अल्लाह की किताब को पढ़ें, समझें और उसके तकाज़ों को पूरा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने सामने रखें। मक्के में कैसे कैसे मसाइब आए, बाइकाट तक हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, शहाबे अपनी तालीम की महसूस रहे, सीरत को पढ़े और एक एक पहलू पढ़े सीरत से, मक्की जिंदगी पढ़े, मदनी जिंदगी पढ़े, मुश्किल में किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरबियत फरमाई है, उसको पढ़े। हमारे यहां सब कुछ है, हमारा दीन हमें हर तरह के हालात से मुकाबले की तरबियत देता, लेकिन होशमंदी के साथ। हमारे बाद नौजवान जज्बात में आकर पुलिस से झगड़ा शुरू कर देते, ये गलत। कानून को कभी अपने हाथ में न ले, पुलिस पर हमला ना करें, पुलिस पर फौज के साथ झगड़ा ना करें, होगा। जज्बात का इजहार हो लेकिन कंट्रोल के साथ, जज्बातियत पर काबू रखते हुए। हमारे दीन ने हमें होशमंदी की तालीम दी है, अकलमंदी की तालीम दी है, अक्ल व शऊर के साथ अपने मामलात को हल करने की तालीम दी है, बेहूदगी के साथ नहीं, बदतहजीबी के साथ नहीं, बदअखलाकी के साथ नहीं। और आज के दौर में, हालांकि हर दौर में इसकी जरूरत रही है, आज के दौर में बिरादराने वतन तक इस्लाम की तालीमात पहुंचाने का बेहतरीन मौका। हम किसी से नफरत न करें, नफरत रखने वालों को अपने करीब लाने की कोशिश करें, अपने अच्छे अखलाक के जरिए, अच्छे बर्ताव के जरिए, अच्छे मामलात के जरिए, और उन्हें बताएं कि जिस इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों से तुम्हें नफरत है, वो दीन ये है, वो इस्लाम ये है। और ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं,
और अपने जहन में रखें इस बात को कि इस वक्त जो सूरत हाल है और जिस बिल को जिस कानून को लेकर इंतजार हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, कतई नहीं है और बनाना भी नहीं चाहिए। इसे हिंदू मुसलमान का मसला मत समझिए, ये हिंदुस्तान के बुनियादी जो दस्तूर है उसके तहफ्फुज़ का मसला है। जो कानून लाया गया है वो हिंदुस्तान के दस्तूर की रूह के खिलाफ है और इसके लिए बहुत सारे गैर मुस्लिम आज सड़कों पर, बहुत सारी तादाद है गैर मुस्लिमों की, पढ़े लिखे गैर मुस्लिम दानिशवरों, बड़े बड़े प्रोफेसर वो गला की, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, बताना चाहिए नहीं, ये मुल्क के दस्तूर के तहफ्फुज़ का मसला है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हुकूमत को भी सही अमल अता फरमाए और सही और इंसाफ पर मबनी फैसले लेने की तौफीक अता फरमाए। हुकूमत हमारे मुल्क की हुकूमत, किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत नहीं, और हम इस मुल्क के शहरी हैं, हुकूमत की रियाया है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी तमाम रियाया के हकूक का तहफ्फुज़ करे, ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे भाइयों हिंदू मुसलमान का मसला नहीं बनाना चाहिए। और जहां तक एनआरसी का नाम आप सुनते हो कि एनआरसी एनआरसी एनआरसी, अभी एनआरसी आया नहीं है, अच्छी तरह एनआरसी का ऐलान जरूर हुआ, उसकी कोई कानूनी हैसियत अभी नहीं। क्या हुकूमत कानून लाएगी, क्या उसके शराइत होंगे, तो जब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि हम अपने तमाम दस्तावेजात को सही तौर पर करके रखें। हमारे पास वोटर आईडी हो, हमारे पास आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए जो शहरी के लिए जरूरी हो। अपने नामों का सही इंदराज करना, अगर किसी के नामों की स्पेलिंग में खराबी है गलती है उसको सही करना, और इसके लिए भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे कागजात मौजूद है और जो लोग पढ़े लिखे हैं और इन मामला से वाकिफ हैं वो अपने भाइयों की मदद करें। हर इलाके हर मोहल्ले में ऐसे लोग जो इन तमाम चीजों से वाकिफ हैं कि साहब वोटर आई डी कैसे बनेगी, उसमें गलती है तो इसलाह कैसे होगी, वो अपने भाइयों की मदद करे और उन्हें बताए, चाहे मसाजिद में बैठ कर बताए, मोहल्ले के किसी घर में बैठ कर बताए, बताए सब लोग रहनुमाई करें और ये बताए कि साहब आधार कार्ड कैसे बनता है, अपना चीज कैसे होती है, उसका क्या तरीकेकार है। तो अपने दस्तावेजात अपने कागजात तैयार करें, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े और बेफिक्री से अपने कामों में लगे रहें और अल्लाह को याद, अल्लाह की याद से कभी गाफिल ना हो और उसी से डरे किसी से न डरे। अल्लाह के अलावा किसी से डरने की जरूरत नहीं है और जो सिर्फ अल्लाह से डरा उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे कोई पसपा नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरे, किसी से न डरे। और हमें जितनी फिक्र अपनी शहरियत के तहफ्फुज की है और होनी चाहिए, कल जो आने वाला दिन जन्नत की शहरियत और सिटीजनशिप की भी फिक्र रखे। यहां से तो जाना है, ये आरजी है, इस मुल्क में रिहायश हमारी आरजी है, दुनिया में रहना आरजी है, हमेशा जो जिंदगी है वहां की शहरियत की फिक्र करें, वहां की नागरिकता की फिक्र करें कि जन्नत की नागरिकता और जन्नत की शहरियत कैसे मिले। जब जन्नत की शहरियत की फिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह यहां इस मुल्क में कोई हमारी शहरियत पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता। हम जन्नत की शहरियत की फिक्र करें कि वहां शहरियत मिल पाएगी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे ठिकाने की शहरियत मिल जाए। तो इस जिंदगी में
दीन को अमल करें, दीन को समझें और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें, तो सारे मसाइल इसी में इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। होशमंदी से काम करें, इत्तेहाद को बरकरार रखें, आपस के इख्तलाफात को एक साइड पे रखें और इत्तेहाद को बरकरार रखें। पूरी मुस्लिम कौम एक है, पूरी उम्मत एक है। इन्हादी उम्मत को उम्मत वाहिदा अल्लाह ने फरमाया, इस उम्मत के बारे में कहा इन्हादी उम्मत को उम्मत वाहिदा, ये एक ही उम्मत है। तो इसलिए इत्तेहाद अपना बरकरार रखें। अगर ये फैसला किया गया है कि सब लोग इत्तेजाजन अपनी दुकानें बंद रखेंगे, तो सब लोगों को इत्तेहाद पर मुजाहरा करना चाहिए और सब लोगों को इस एहतजाज में कानून के दायरे में रहते हुए शामिल होना चाहिए और कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखें और मुल्क की सालमियत, मुल्क की इमलाक, मसलन बसे इमारतें, उनको कभी नुकसान ना पहुंचे। किसी बस को, किसी गाड़ी को, किसी सरकारी मिल्कियत को कतई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये गलत है, हमारा अपना नुकसान। ये मुल्क में जितनी इमारतें सरकारी हैं हमारे पैसे से बनी हुई, हमारे टैक्स के पैसे से हुकूमत इमारत बनाती है, हुकूमत की गाड़ियां बनती हैं, वो सब हमारे पैसे से होती है। तो अगर उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो अपने पैसे को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने माल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए अपने माल को, सरकारी माल को जो हमारा अपना है, उसे नुकसान पहुंचाने से बचें, कानून को अपने हाथ में लेने से बचें, पुलिस पर पथराव और हमला करने से बचें, इन तमाम बेवकूफियों से अपने आप को बचा के रखें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू हों, अल्लाह की याद रखें। और मुल्क ने जो हक दिया है जमहूरियत में अपने ये हक को इंसाफ के लिए आवाज उठाने का, उसके लिए आप इंतजार करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह ताला हम सब सहाबियों नासिर हो, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन अमान कायम फरमा दे, रब्बुल आलमीन तमाम शहरियों को अमन अमान से रहने की तौफीक अता फरमा दे, मुल्क में फसाद और झगड़े और इस तरह की तमाम चीज़ों की रब्बुल आलमीन इससे इस मुल्क को बचा ले और